डिजायरेबिलिटी के बादशाह, पॉपुलैरिटी के किंग्स, कौन है वो ग्लैमरस, गुड लुकिंग एंड स्मोकिंग हॉट हंक्स जिन पे है पूरा इंडिया फिदा, और क्यों है वो इतने उबर डिजायरेबल? लेट्स फाइंड आउट। वेलकम टू द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2012। www.itimes.com पर आपके भेजे गए लाखों वोट्स के दम पर चुने गए हैं द 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2012। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुपर हॉट एपिसोड। लेकिन इससे पहले कि हम रिवील करें रैंक्स नंबर 30 से लेकर 21, लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ रैंकिंग्स 40 टू 31। नंबर 40 पर है मुजम्मिल इब्राहिम। नंबर 39 पर है करण सिंह ग्रोवर। नंबर 38 पर है राजीव खंडेलवाल। नंबर 37 पर है मोहित रायना। नंबर 36 पर है विद्युत जम्बाल। नंबर 35 पर है अजीत। नंबर 34 पर है विजेंद्र सिंह। नंबर 33 पर है अरुणोदय सिंह। नंबर 32 पर है सोनू निगम। एंड 31 नंबर पर है कुणाल कपूर। The Times 50 Most Desirable Men 2012 की rankings में 30th rank पर है The Uber Cool Metrosexual Alpha Male Neil Nithin Mukesh, जो कि है उनकी 2011 ranking of number 34 से एक छोटा सा rise. Neil is all good looking with blue eyes, a muscular body and a lady killing personality. और उन्होंने अपने लिए B-Town में एक खास जगह बनाई है as a grey character specialist, right from his first critically acclaimed film Johnny Gaddar. Grey shades in a hero makes him even more desirable as 2012 में Neil ने साबित कर दिया। उनकी 2012 में एक ही फिल्म रिलीज हुई प्लेयर्स। इस फिल्म में नील प्लेड अ बैडी टू द हिल्ट। प्लेयर्स टिकट विंडो पर तो नॉन प्लेयर साबित हुई, लेकिन द एक्लेज नील रिसीव फॉर हिज परफॉर्मेंस एज द विलन एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप। और इसके अलावा 2012 में नील न्यूज में रहे अपनी देम अपकमिंग फिल्मों की वजह से। एंड ऑफ कोर्स हिज ऑन एंड ऑफ लिंक अप रूमर्स विद एक्ट्रेस सोनल चौहान आल्सो डिड द राउंड्स। और इसीलिए तो आपके वोट्स ने नील नितिन मुकेश को हमारी रैंकिंग्स में दिलवाई है नंबर 30 की पोजीशन। Thank you to the Times Group for considering me worthy of this list. The Times 50 Most Desirable Men 2012 की rankings में 29th rank पर है The Kollywood Heavyweight Vikram, जो कि है उनकी 2011 की 23rd spot से एक small slip. But this hunk of a man can relax for the day as he is amongst the top 30 on the Times 50 Most Desirable Men 2012 list. Vikram is a man's man with a dashing macho personality and an electrifying screen presence. Vikram ne apna silver screen debut kiya tha in the 90s. Over the years, unhone apne aap ko establish kiya as an intense actor and matinee idol, jo commercial success aur critical acclaim dono ko bahut hi beautifully balance karte aaye hain. Vikram ne apne career mein एक से एक डेयरिंगली डिफरेंट और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और साथ में उनकी फैन फॉलोइंग काफी अमेजिंग है। 2012 में विक्रम की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई तांडवम, जहां उनका कैरेक्टर था एक ब्लाइंड रॉ एजेंट का जो एको लोकेशन टेक्निक्स की मदद से अपना रास्ता ढूंढता है। तांडवम बॉक्स ऑफिस पर रही सक्सेसफुल, एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट दैट विक्रम की फैन पॉपुलैरिटी और डिजायरेबिलिटी आज भी इंटैक्ट है। साथ ही साथ विक्रम चैरिटी और सोशल कॉजेस के कामों में भी काफी एक्टिव है एंड दैट ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टार्स डिजायरेबिलिटी डजंट इट। ऑल इन ऑल कॉलीवुड के मैटिनी आइडल विक्रम है हमारी इस लिस्ट में 29th रैंक पर। It feels very good and I'd like to thank my fans for being so steadfastly earnest about voting every time for me. The daringly different and free-spirited cool dude Abhay Deol, the Times 50 Most Desirable Men 2012 की rankings में सिर्फ एक spot slip होकर आ गए हैं number 28 पर। Abhay है unconventionally good-looking with an oh-so-sweet dimpled smile, a cool, calm and stylish andaz and a bohemian sex appeal, जो उन्हें बनाता है surefire heartthrob। Abhay एक fabulous actor भी हैं और वो roles भी हमेशा ही choose करते हैं offbeat और हटके, over the more-in-your-face masala films and roles। वो experimentation के लिए रहते हैं हमेशा तैयार। और इसीलिए तो उन्होंने बी टाउन में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है एज अ थिंकिंग मैन्स मूवी स्टार। 2012 में रिलीज हुई अभय की दो फिल्में दिबाकर बैनर्जी की मच अवेटेड शंघाई और प्रकाश झा की इंटेंस चक्रव्यूह। हालांकि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रही एवरेज, अभय's परफॉर्मेंसेस इन बोथ दीज क्रिटिकली एक्लेम्ड जेम्स वर सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ही लिटरली गॉट अंडर द स्किन ऑफ बोथ कैरेक्टर्स एंड प्लेड देम विद अ सेंस ऑफ रियलिज्म, जो बॉलीवुड में रेयरली देखने को मिलता है। इसके अलावा अभय इज ऑल्सो हॉट ऑन द सोशल सर्किट। 2012 में वो अपनी
अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई के साथ दिखाई दिए एट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स एंड डूज। अभय का स्टाइल क्वेश्चन भी है न्यू एज कूल, और उनके हैट्स, स्लिम फिट सूट्स और स्किनी टाइज के स्टाइल को यंग ड्यूड्स टोटली कॉपी करते हैं। अभय की फीमेल फैंस को उनमें नजर आता है एक इंटेलेक्चुअल चॉकलेट बॉय, जिनके इजी चार्म और रॉ मैग्नेटिज्म है हार्ड टू इग्नोर, और इसीलिए तो अभय दियोल द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2012 लिस्ट में है नंबर 28 की पोजीशन पर। Thank you for the support. The Times 50 Most Desirable Men 2012 की इस लिस्ट में 27 स्पॉट पर हैं द फ्रेशेस्ट ड्यूड ऑन द बॉलीवुड ब्लॉक अर्जुन कपूर। अर्जुन एक जमाने में मोटे हुआ करते थे, लेकिन ये उनके हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का ही नतीजा है कि आज वो सिल्वर स्क्रीन पर एक स्टार बन चुके हैं। उन्हें मिला एक ड्रीम लॉन्च विद द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन द बिजनेस, यशराज फिल्म्स। उनकी डेब्यू फिल्म इश्क ज़ादे की बोल्ड थीम और अर्जुन और न्यूएस्ट स्पिन अप गर्ल परिणीति की केमिस्ट्री ने इस फिल्म को बना दिया अ बोनाफाइड बॉक्स ऑफिस हिट। अर्जुन के परफॉर्मेंस को भी सबने अप्रिशिएट किया, और साथ ही साथ गर्ल्स ऑल ओवर द कंट्री वर सिंपली बोल्ड ओवर बाय हिज रफ एंड रस्टिक इमेज, डीप इंटेंस आइज, दैट sexy stubble, the casual style of dressing and that awesome swagger. लड़कियों को उनका reckless confidence लगा super attractive, super desirable. 2012 में अर्जुन ने साइन की दो बड़ी फिल्में औरंगजेब और गुंडे। इसके अलावा अर्जुन stayed in the news because of his appearances at some of the glitziest B-town events. Industry insiders की माने तो अर्जुन is a star to watch out for in the future. अर्जुन is young and fresh, ruggedly handsome and has a raw manly sex appeal. इसीलिए तो girls think of him as super desirable, और इसीलिए तो वो हमारी इस लिस्ट में है नंबर 27 पर। It's time now for a break. लेकिन द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2012 की रैंकिंग्स में नंबर्स 30 टू 21 के इस एपिसोड में देयर आर मेनी मोर हैंडसम हंक्स कमिंग योर वे, इसीलिए स्टे राइट वेयर यू आर, वी विल बी राइट बैक। Welcome back. आप देख रहे हैं द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2012। इट्स रेनिंग मेन हियर पीपल। मेन जो है डिजायरेबल, मेन जो है सुपर इंटेंस एंड हॉट। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रिवील रैंकिंग्स 26 टू 24। The Times 50 Most Desirable Men 2012 की लिस्ट में नंबर 26 पर है अजय देवगन। अजय की ब्रूडिंग इंटेंसिटी, उनकी मैचो इमेज और पावरफुल पर्सनालिटी है उनके सबसे बड़े एसेट्स। प्लस ही इज अ फैबुलस एक्टर जिसने पिछले कुछ सालों में हिट फिल्मों की लाइन लगा दिया। लेकिन 2012 की शुरुआत अजय के लिए बिल्कुल ऑस्पिशियस नहीं रही। उनकी फिल्म तेज बॉक्स ऑफिस पर जितनी तेजी से आई उससे भी ज्यादा तेजी से चली भी गई। लेकिन उसके बाद अजय ने किया एक जबरदस्त कमबैक। पहले तो रोहित शेट्टी की कॉमिक केबर बोल बच्चन में अजय ने अपनी इंटरनेशनल इंग्लिश से सबको हंसा हंसा के पागल कर दिया। बोल बच्चन मेड इट टू द कवेटेड 100 क्रॉ क्लब एंड अजय वाज ऑन क्लाउड 9। उसके बाद दिवाली पर आई अजय की एक और लाफ रायट, सन ऑफ सरदार। सन ऑफ सरदार को हेविली प्रमोट किया गया और इस फिल्म ने भी 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली डिस्पाइट इट्स फेस ऑफ विद किंग खान्स जब तक है जान। ब्रूडिंग एंड सीरियस रोल्स में ऑसम अजय का जादू कुछ इतना इंटेंस है कि लिटरली सेट्स द स्क्रीन ऑन फायर। और दूसरी तरफ जब वो कॉमेडी करने पे उतर आते हैं तो उनकी फीमेल फैंस थिंक ही इज ओह सो क्यूट। बिग गन अजय देवगन सक्सेस एंड वर्सटाइल पब्लिक इमेज हैव मेंट दैट हिज डिजायरेबिलिटी इज राइजिंग बाय द डे, और इसीलिए तो आपके वोट्स ने उन्हें दी है टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2012 लिस्ट में नंबर 26 की पोजीशन। It makes you happy. It makes you feel good that, you know, you are in that list. The Times 50 Most Desirable Men 2012 की लिस्ट में नंबर 25 पर हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। 2011 की रैंकिंग्स में आमिर थे नंबर 18 पर 2012 में वो डिजायरेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा चूक गए और शायद इसीलिए ही स्लिप्ड आउट ऑफ द टॉप 20। लेकिन एक बात तो तय है, कयामत से कयामत तक के वक्त ही वाज द चॉकलेट बॉय ऑफ बॉलीवुड। आज मोर देन 20 इयर्स लेटर ही स्टिल द ब्लू आईड बॉय ऑफ द नेशन। 2012 के फर्स्ट हाफ में आमिर ने किया अपना टीवी डेब्यू विद हिज टॉक शो ऑन सोशल इश्यूज। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने वाले इस शो के लिए आमिर को बेहिसाब वाहवाही मिली और उन्हें बना दिया एवरी थिंकिंग वुमन्स ड्रीम मैन।
Not only that, iski wajah se Aamir appeared on the cover of an international magazine's Asia edition in September of 2012 with the headline Khan's Quest. 2012 mein Aamir ki much awaited Talash bhi release hui, where he played a tormented cop jiska vaasta ek supernatural element se badhta hai. Aamir was looking one of those dashing cops from all the angles. 2012 mein Aamir has also started work on Dhoom 3, jahan wo karonon dilon ki Malika Katrina Kaif ke saath pehli baar dikhenge, aur Raju Hirani ki PK opposite the charming and chulbuli Anushka Sharma. Well, the intelligent and very talented Aamir is a role model to one and all, and that's what makes him desirable. Aur isiliye to wo is list mein hai number 25 par. I'm happy to know that. Thank you. The Times 50 Most Desirable Men 2012 की 24th position पर है The Uber Cool Dude, Ranveer Singh. उनकी also casual sex appeal और funky personality has made a mark for sure. एक तरफ वो बन सकते हैं the guy next door और दूसरी तरफ a foxy playboy who can charm anyone. Beard और mustache के साथ he looks rough and tough. And when clean shaven, hi, he becomes so uber cute. Basically, Ranveer is desirable in so many ways and in so many different avatars. 2012 में रणवीर की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, but he stayed in the news because of the films that he has signed, Lutera, Ramlila and Gunde. But more than anything else, Ranveer was the center of attraction for his exciting and ever-evolving love life. Sexy Anushka Sharma के साथ उनकी on-off relationship, मस्त दो नैनो वाली सोनाक्षी के साथ उनका supposed link-up, और फिर अपनी रामलीला co-star यानी glam doll दीपिका पाडुकोन के साथ उनकी rumored रासलीला के चर्चे चर्चों में रहे. But he's young यार, love life इस वक्त active नहीं होगी तो कब होगी? Plus, that's what makes him desirable to women, na? Anyway, Playboy Ranveer ka desirability quotient hai kaafi high. Aur isiliye to bina kisi release ke bhi, he's captured the 24th spot on our countdown. Desirable hona ek bahut achhi cheez hai. And I'm happy that I've been included in the list. Don't touch that remote. Don't go anywhere. Hum ja rahe hain, but only for a tiny little break. Dekhte rahiye the Times 50 Most Desirable Men 2012. Welcome back to the Times 50 Most Desirable Men 2012. Jahan laga ek sizzling fest. India ke hottest, sexiest, sabse awesome, the most desirable hunks ka. Aur hum jante hain ki aap unse milne ke liye ho rahe ho super impatient. To chaliye jante hain kaun hai on the ranks 23 to 21. The Times 50 Most Desirable Men 2012 की rankings में 23rd spot पर है अली जफर, जो कि उनकी 2011 की ranking of number 17 spot से एक small drop. But the Sufi hotness need not worry, because ladies in India or abroad find him desirable no matter what. Ali kya nahi hai? He's a musician, composer, singer, songwriter, model, painter, and of course an actor. Upar se he's good looking with a fab body, a goofy charm and a Sufi personality. Isiliye to Ali is one of the select few artists from across the border jinhe India mein bhi success hasil hui hai. Music is Ali's passion aur wo concerts mein regularly perform karte hain, because it gives him the high that his artistic temperament needs. And performing on stage live makes women all over the planet swoon over his charismatic style. 2010 mein Tere Bin Laden aur 2011 mein Mere Brother Ki Dulhan ke baad 2012 mein Ali ki ek hi film release hui, London, Paris, New York. Ali is film ke sirf lead actor hi nahi the, unhone is film ka music bhi compose kiya aur iske definitely popular gaane bhi gaaye. और हालांकि फिल्म ना लंदन में चली, ना पेरिस में, ना न्यूयॉर्क में, और ना ही इंडिया और पाकिस्तान में, अली रिसीव फैंटास्टिक रिव्यूज फॉर हिज परफॉर्मेंस एंड हिज पॉपुलैरिटी वेंट अप क्वाइट अ फ्यू नॉचेस. अली'ज़ डिजायरेबिलिटी शॉट अप मेनी फोल्ड्स जब ऑडियंसेस को पता चला कि ही विल प्ले द लीड इन द रीमेक ऑफ द क्लासिक कॉमेडी चश्मबद्दूर. और इसीलिए तो हमारी लिस्ट में अली चेक मैग्नेट जफर को मिली है नंबर 23 की पोजीशन. इट्स अ गुड थिंग, थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी डिजायरेबल हॉट. We'll be right back.
The Chocolate Boy and Heartthrob of Millions. Imran Khan hair number 22. जो है एक massive drop उनकी 2011 की 9th ranking से. इमरान ने अपने soft chocolate boy looks और shy, innocent, charming personality के दम पर अपनी एक खास identity बनाई है. Girls find him deliciously desirable and want to cuddle up to him. He's the kind of guy जिसे कोई भी लड़की घर ले जाना चाहेंगी. To her mom and dad. 2012 में उनकी one and only release एक मैं और एक तू captured the audience's imagination because of its super fresh pairing of the chocolate boy Imran with the ravishing Kareena Kapoor. इस फिल्म में इमरान के nerdy but cute as hell अवतार को उनकी फीमेल फैंस ने ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा. लेकिन उनकी 2011 releases Delhi Belly and मेरे ब्रदर की दुल्हन के कंपैरिजन में एक मैं और एक तू थी थोड़ी सी ठंडी. शायद रैंकिंग्स में उनके ड्रॉप की यही वजह हो. But then towards the end of the year Imran दोबारा न्यूज में रहे for his rustic and bearded look in मटरू की बिजली का मंडोला. It was clear इमरान ने अब अपने लव बॉय कैरेक्टर्स जिनके पीछे लड़कियां दीवानी थी उनको पीछे छोड़ के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया है. His bearded look and raw machismo in मटरू की बिजली का मंडोला left thousands of girls wanting more. वैसे भी इमरान is extremely popular with the youth. फिर मटरू की बिजली का मंडोला में उनका दाढ़ी वाला हरियाणवी एक्सपेरिमेंट has got on big time with the Gen X. और इसीलिए तो इमरान the Times 50 most desirable men 2012 list में number 22 पर. I think it's tremendously flattering when people say that you're one of the most desirable in this and all. Unfortunately, I can't vote for myself, otherwise I would put myself a little higher. Dashing, debonair and dynamic chote nawab. Saif Ali Khan hai number 21 par. Saif is a true blue fashion icon. Saifu ki metrosexual appeal is in a league of his own. 2012, Saif ke liye kaafi eventful raha. Unki home production agent Vinod thi to ek big ticket film. And even though his also sexy secret agent avatar gave girls across the nation sleepless nights. Audiences ne is movie ko apna stamp of approval nahi diya. But the disappointment of agent Vinod was short-lived. Kyunki Saif ki ugly film also a home production Cocktail went on to become a huge box office success. Saif ki ugly film Race 2 ke promos ne bhi kafi halchal machayi and Saif looked super cool in them. On the personal front, of course, Saifina became one in Holy Matrimony. To breaking news sabit hua hi. Finally, after years of speculation, Saif tied the knot with Babe Ho Beautiful in what became the wedding of the year. Saif Ali Khan is the ultimate lady killer who got hitched and broke millions of hearts all around the globe. Aur isiliye to unhe hamari is list mein mili hai number 21 की पोजीशन. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. बहुत मैं अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. Times 50 most desirable men 2012 के rankings का ये शो हमें यहीं पे खत्म करना होगा. But relax, picture अभी बाकी है. लेकिन next episode में जिन hunks को आप expect कर रहे हो at ranks 20 to 11, वो वहाँ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. यानी we have quite a few surprises coming your way. तब तक keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.